गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? होप सो कि आप सब बहुत बढ़िया हों और बहुत अच्छे हों। आज हम इस वीडियो सेशन के अंदर बात करेंगे एन एस्ट्रल माइटोसिस के बारे में एंड एम्फी एस्ट्रल माइटोसिस के बारे में। बहुत कमाल का टॉपिक है, बहुत अमेजिंग टॉपिक है। अगर हम बात करें सेल डिविजन के अंदर, जब हम बात करते हैं एनिमल सेल डिविजन के बारे में, यानी कि जब आप सेल डिविजन को स्टडी करते हो एनिमल सेल के अंदर, और जब आप सेल डिविजन को स्टडी करते हो प्लांट सेल के अंदर, तो एक बहुत ही प्यारा कंफ्यूजन यहाँ पे आता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन है। वो कंफ्यूजन क्या है उसको सुनिए। वहीं से हमारी कहानी स्टार्ट होगी एनस्ट्रल की और एम्फीएस्ट्रल की। ओके, बेसिकली होता क्या है कि जब हम प्लांट सेल को स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पर हमको दो चीजें नहीं मिलती। हमको वहां पर सेंट्रियोल भी नहीं मिलते हैं। अब सेंट्रियोल क्या करते हैं, एक्चुअली सेंट्रियोल बनाते हैं एस्टर। तो जाहिर सी बात है, सेंट्रियोल नहीं मिलेगा तो एस्टर भी नहीं मिलेगा प्लांट सेल के अंदर। ओके, क्लियर बात है। तो एक मिथ यहां पर जुड़ा होता है कि जो सेंट्रियोल होता है और जो एस्ट्रल होता है, उसका जो रोल होता है वो स्पिंडल फाइबर को बनाने में होता है। क्लियर कहानी। अब सेंट्रियोल और एस्टर का रोल स्पिंडल फाइबर को बनाने में है या नहीं है, उसको अपन समझेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वही वीडियो हमारा किस टॉपिक में आ जाता है, एम्फी एस्ट्रल में आ जाएगा और एन एस्ट्रल में आ जाएगा। क्लियर कहानी, ये समझ में आया आपको? तो ये बहुत डाउट रहता है बच्चों को, कई बार बच्चे पूछते हैं जब वो सेल साइकिल को स्टडी करते हैं या सेल डिवीजन को स्टडी करते हैं, तब उनके माइंड में आता है कि यार सर आपने वहां पर बताया था कि प्लांट सेल के अंदर कि वहां पर सेंट्रियोल नहीं होता एक्चुअली, ऑलराइट, और हमारा जो स्पिंडल फाइबर होता है कि वो आई थिंक जो हमारा स्पिंडल फाइबर होता है वो सेंट्रियोल से ही तो बनता है, तो फिर इसका मतलब वहां पर प्लांट सेल के अंदर वो नहीं बनना चाहिए ना स्पिंडल फाइबर। ऑलराइट, ये कंफ्यूजन बच्चों को आता है। ओके, तो फिर वहां पर वो सेपरेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स कैसा होता है, ये क्वेश्चन आता है ना, उसी को डिटेल में स्टडी करेंगे बहुत अच्छे से, बहुत क्लियर वे के अंदर क्रिस्टल क्लियर स्टडी करेंगे। तो अपन स्टार्ट कर लेते हैं अपना रिकॉर्डिंग और फिर आपको मैं चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। क्लियर है कहानी बेटा? तो टॉपिक हमारा क्या हो गया, एस्ट्रल एंड एम्फीएस्ट्रल माइटोसिस क्या होता है एक्चुअली। तो ये माइटोसिस में होता है, ठीक है। तो आपको मैं समझाता हूं यहां पर कहानी क्या है, देखो बहुत अमेजिंग कहानी है यहां पर। ओके, चलिए तो पहले अपन बात करते हैं हमारा जो डाउट है, अपन क्या देखने वाले हैं इस लेक्चर के थ्रू। तो इस लेक्चर के थ्रू हम देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जो सेंट्रियोल्स होते हैं एक्चुअली क्या होते हैं बेटा, जो सेंट्रियोल है हमारे पास में, ठीक है, और प्लस हमारा जो एस्टर होता है, क्या बेटा, जो एस्टर होता है क्या उसका कोई रोल होता है कि नहीं होता है, ओके, स्पिंडल फाइबर को बनाने में। ओके, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में, यस और नो, ये हमारा टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए समझाता हूं मैं आपको यहां पर एस्टर मतलब क्या होता है, ठीक है। तो एस्टर एक बेसिकली स्टार लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे मैं आपको समझाना चाहूं कि हमारे पास में इस तरह का अगर सेंट्रियोल आपके पास में है और ये अपना माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए यहाँ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरह से स्ट्रक्चर देखते हो एक्चुअली। तो ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं अपन, इस स्ट्रक्चर का नाम है एस्टर। क्या नाम है बेटा इसका, एस्टर। क्लियर कहानी, इसी को अपन एस्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ पर देखो इस तरह से रेडिएट करती है स्टार, इस तरह से स्ट्रक्चर्स जिनको अपन एस्टर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बेटा इनको, ओके, एक्चुअली सेंट्रियोल क्या करता है, इसको बनाता है एस्टर को, है ना। तो एस्टर फॉर्मेशन के लिए कौन जरूरी होता है, इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। वो कौन होता है हमारा एस्टर बनाने के लिए, सेंट्रियोल बहुत जरूरी होता है। चलिए अब बात करते हैं एस्टर मतलब क्या हो गया। तो ए मतलब होता है एबसेंट, यानी कि जहां पर आपको एस्टर दिखाई नहीं देते, और एम्फी मतलब होता है बोथ, मतलब दो, ठीक है। तो यहां पर दो चीजें हमारे पास में, ए मतलब यानी कि यहां पर एन मतलब आप पूरा अगर देखना चाहें तो इसका मतलब होता है एब्सेंट। क्या होता है बेटा इसका मतलब, एब्सेंट। और एम्फी जो होता है उसका मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे, सर एम्फी का मतलब तो बोथ है ना, ठीक है। तो एम्फी का मतलब होता है बोथ, मतलब दो। आप बहुत बार इसको बोथ भी समझेंगे, और यहां पर इसका जो मतलब है वो है टू बेटा। क्लियर कहानी, दो। ओके, अब सुनिए होता क्या है एक्चुअली। तो इन प्लांट में जब आप देखते हो सेंट्रियोल आर एब्सेंट, तो वहां पर क्या होगा बेटा,
भाई प्लांट्स के अंदर सेंट्रल क्या होते हैं? थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा अपन को इसको, ये बड़ा हो गया, 100 कर देते हैं। ठीक है बेटा, तो वहां पर सेंट्रल क्या होते हैं? सेंट्रल वहां पर एबसेंट होते हैं, देखो यहाँ पर। ओके, तो वहां पर क्या होगा? नो एस्टर्स आर फॉर्म्ड, तो एस्टर भी नहीं बनेगा। प्लांट्स के अंदर बात करें तो माइटोसिस विदाउट एस्टर, यानी ऐसा माइटोसिस जिसमें एस्टर नहीं बन रहा है, इस माइटोसिस को बोलते हैं अपन एस्टरल माइटोसिस। और प्लांट्स अगर उसमें भी बात करें अपन, जो हायर प्लांट कैटेगरी होती है वहां पर आपको एस्टर नहीं दिखाई देती है। यस और नो? वहां पर जो माइक्रोट्यूबुल्स प्रेजेंट होती है वही माइक्रोट्यूबुल्स क्या कर देंगे आपके पास में स्पिंडल फाइबर को बनाएगी। क्या बात सही कि नहीं है? हाँ या ना? क्लियर कहानी? आगे सुनिए। तो इन एनिमल सेल की बात करते हैं, इन एनिमल सेल द एस्टर आर प्रेजेंट, तो वहां पर क्या होता है? एस्टर प्रेजेंट होता है, क्यों? बिकॉज यहाँ पर सेंट्रोल प्रेजेंट होता है। ऑलराइट ना? आर प्रेजेंट। अब बिकॉज यहाँ पर आप देखते हो दो सेंट्रोल प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल के अंदर, ओके, जो अपोजिट पोल की तरफ जाते हैं, तो दो सेंट्रोल है तो एस्टर भी कितने हो जाएंगे, तो दो एस्टर, दो स्टार लाइक स्ट्रक्चर दिखेगी आपको। दैट्स व्हाई यहाँ पर दो है ना, एम्फी एस्ट्रल बोला जाता है। तो एम्फी एस्ट्रल जो टर्म है बेटा वो किसके लिए हो गई? वो हमारे एनिमल सेल के लिए हो गई। क्लियर? क्लियर कहानी? द माइटोसिस इज डिस्क्राइब्ड एज अ एम्फी एस्ट्रल, ओके, ये इसको बोलते हैं एस्ट्रल माइटोसिस, क्योंकि यहाँ पर एस्टर बन रहे हैं और दो बन रहे हैं, दैट्स व्हाई हम क्या बोल रहे हैं इसको? एम्फी एस्ट्रल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इसको? एम्फीएस्टर बोल रहे हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर मैं डायग्राम्स में शो करना चाहूं, दिखाना चाहूं, तो यहाँ आप देखें एक्चुअली, ठीक है? तो यहाँ पर आप जब स्टडी करेंगे बहुत अच्छे से, तो ये आप देखिए पूरा का पूरा यहाँ पर स्टडी हो रखा है, तो यहाँ पर आप देखिए एस्टर बन रहा है बेटा। क्या बन रहा है? ये एस्टर मतलब कि स्टार लाइक स्ट्रक्चर बन रही है यहाँ पर, ओके बेटा। और यहाँ पर भी देखो एक ये बन रहा है, क्लियर कहानी? स्टार लाइक स्ट्रक्चर। तो इसलिए क्या हो गया आपके पास में? ये एस्ट्रल हो गया। क्या हो गया बेटा? ये एस्ट्रल हो गया। क्लियर कहानी? चलिए आगे बात करते हैं। तो ये किसका डायग्राम हुआ बेटा? ये डायग्राम हुआ आपके पास में एनिमल सेल्स का, एनिमल सेल का हो, यानी एनिमल सेल डिवीजन कर देते हैं इसको, इजी रहेगा आपको समझने में। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं एन एस्ट्रल। तो यहां पर देखो किसी तरह का एस्टर नहीं बन रहा एक्चुअली। क्या होता है बेटा? यहां पर किसी तरह का एस्टर नहीं बनता, लेकिन ये क्या स्ट्रक्चर है? तो इसको बोलते हैं अपन स्पिंडल फाइबर। तो स्पिंडल फाइबर तो यहां पर बन रहे हैं, ओके बेटा। तो स्पिंडल फाइबर्स, तो एक्चुअली क्या होता है कि एस्टर एंड सेंट्रियोल्स इनका कोई रोल नहीं होता है स्पिंडल फाइबर को बनाने में। आपके पास में किसका रोल होता है स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन में? तो स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन में जो रोल होता है वो होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का। क्या होता है बेटा? तो स्पिंडल फाइबर फॉर्म्ड बाय माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्या कहानी सही है? माइक्रोट्यूब्यूल्स, ओके। अगर आप देखो स्पिंडल फाइबर को, एक स्पिंडल फाइबर को, तो उसमें 4 से 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स आपको अरेंज्ड दिखाई देंगे, ओके बेटा। 4 से 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स आपको अरेंज्ड दिखाई देती है, ओके। और उन्हें कौन सा प्रोटीन होता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है वहां पर? वहां पर आपको ट्यूबुलिन प्रोटीन दिखाई देता है। चलिए कौन सा प्रोटीन हो गया बेटा? तो वहां पर आपको ट्यूबुलिन प्रोटीन दिखाई देगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आई होप आपको चीज समझ में आई होगी यहां पर, ओके। मैंने यहां पर आपको एनेस्टर समझा दिया कि एस्टर्स आर नॉट फॉर्म, ओके, बिकॉज सेंट्रोल इज नॉट प्रेजेंट इन प्लांट सेल। एंड एस्टर के बारे में मैंने आपको समझा दिया है कि एस्टर्स आर प्रेजेंट, ओके, इन एनिमल सेल, बिकॉज दे आर इन द केस ऑफ एनिमल सेल्स देर आर टू सेंट्रियोल्स, तो दैट्स व्हाई टू एस्टर्स आर फॉर्म्ड, तो दैट्स व्हाई हम इसको क्या बोल देंगे? एम्फीएस्ट्रल बोल देंगे। क्या बोलेंगे इसको? एम्फीएस्ट्रल बोला जाता है। बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट है, ओके। तो ध्यान रखें आप, प्लांट सेल के अंदर स्पिंडल फाइबर बनाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो माइक्रोट्यूबुल्स की होती है। एनिमल सेल के अंदर भी जो स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं वो अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूबुल से बनेंगे, यस और नो? तो सेंट्रियोल्स का या बात करें हम किसका बेटा, आपके एस्टर का कोई रोल नहीं होता है। क्लियर कहानी? ये आपको समझ में आया? ये आप चेक कर सकते हैं, ये मैंने बता दिया यहाँ पर। ये देखो ये माइक्रोट्यूबुल्स होती है, तो ये बनाएंगे आपके पास में, ठीक है बेटा? ऑलराइट ना? और ये जो स्ट्रक्चर्स होती है, ये स्ट्रक्चर्स इस तरह से, ये एस्टर हो गया, ये सेंट्रियोल्स हो गया हमारे पास में, क्लियर कहानी? और ये स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, ठीक है, ये क्रोमोसोम्स यहाँ पर अरेंज्ड है, ओके। चलिए ओके, यहां तक समझ में आया आपको? तो एक लाइन आप लिख सकते हो यहाँ पर, बहुत अच्छे से एक लाइन लिख लेते हैं अपन,
कि द सेंट्रल्स एंड एस्टर हैव नो रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल। ठीक है, तो यहां पर मैं एक स्टार पॉइंट करके लिख रहा हूं। ठीक है, स्टार पॉइंट है बेटा, बहुत अमेजिंग पॉइंट है, और ये ना पूछा जाता है हर एग्जाम्स के अंदर, और ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो लिखो यहां पर आप द सेंट्रल्स एंड esters have no role in the formation of a spindle। करेक्ट कहानी यहां पर, तो बहुत अमेजिंग पॉइंट हो गया आपकी नीट के एग्जाम के हिसाब से, तो आप इसको देख सकते हैं अच्छे से। चलिए, तो होता किसका आप वो भी लिख सकते हो जैसे, ओके, तो लिख सकते हो आप द माइक्रोट्यूबल्स आर अरेंज्ड इन बंडल कॉल्ड स्पिंडल फाइबर्स। तो माइक्रोट्यूबल्स अरेंज होती है इन द बंडल, और क्या बनाती है बेटा वो आपके बनाएंगी स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, और कितना होता है मैंने बताया आपको, 4 से 20 माइक्रोट्यूबल्स इन अ स्पिंडल फाइबर होता है। क्या बात सही है कि नहीं है? ओके, ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हो माइक्रोट्यूबल्स आर फॉर्मड, है ना, हालांकि ऊपर भी लिख दिया, एक और लिख लो चाहिए से, माइक्रोट्यूबल्स आर फॉर्म स्पिंडल फाइबर। ठीक है ना, फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा ये छोटा सा टॉपिक था। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर टॉपिक आपको समझ में आया तो यार एक काम कर सकते हो, वो काम आपको पता ही है, लेक्चर खत्म होने के बाद हम क्या कहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में कहते हैं आपसे, तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखें, पास वाला बेल आइकन का जो बटन है वो आप जरूर दबा के रखें, और कोई भी टॉपिक आपको ऐसा लगता है बहुत हार्ड है, ओके, और आप उसको समझना चाहते हैं, तो आप हमको उस टॉपिक का नेम बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, हम जरूर उस पर आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। बहुत अच्छा वीडियो होगा, एनिमेटेड वीडियो भी हो सकता है। ऑलराइट बेटा, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात कर रहे होंगे और किसी टॉपिक के बारे में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।